जय हिंद साथियों। साथियों दिल्ली के अंदर प्रत्येक विद्यालय जो विश्वविद्यालय है उन सभी विश्वविद्यालय में वैकेंसी आ रही है, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी की लगभग की वैकेंसी आ चुकी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे अलर्ट रहे, वैकेंसी बार बार आ रही है। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी हर कैटेगरी की है, वो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक की, ठीक है, हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, चाहे मेडिकल हो या आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, कोई सा डिपार्टमेंट हो, सभी वैकेंसी आ रही है। आज जो वैकेंसी हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसी है हिंदू महाविद्यालय दिल्ली की है। चलो बात करते हैं वैकेंसी, तो ये जो वैकेंसीज के लास्ट डेट बता दो आपको 9 फरवरी, पहले लास्ट डेट सुन लो, 9 फरवरी वेबसाइट सुन लो hindukollege.ac.in पर या hindukollegerecruitment.ac पर आप इन दो वेबसाइट दोनों पे जाओगे दोनों का आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई से भी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हम मेन इंपॉर्टेंट हमारी बात चलती है वो बात करते हैं उनकी, ठीक है। देखो लेब असिस्टेंट की पहली जो वैकेंसी है बोटनी लेब असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी, मेडिकल डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसमें लेवल 4 का वेतन मिलेगा, एक पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ठीक है, जनरल की है वो, ठीक है। बात करें लेब असिस्टेंट केमिस्ट्री की ग्रुप सी की वैकेंसी, लेवल 4 का वेतन होगा, अपर एज जो है 30 साल है, 3 वैकेंसीज है इसमें, 2 जनरल की, 1 वैकेंसी हमारे ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। अगली लेब असिस्टेंट फिजिक्स की बात करते हैं हम, तो ये लेवल 4 का वेतन वो 30 साल और 4 लेवल 4 का वेतन इसमें, बहुत सॉरी 4 पोस्ट इसमें, एक पोस्ट ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की और एक जनरल की, और एक है यहाँ पीडब्ल्यूडी के लिए, एलवी के लिए। लेब असिस्टेंट जूलॉजी की बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ लेवल 4 का वेतन 30 साल है, एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी की। आगे बात करते हैं हम जूनियर असिस्टेंट की, पहले लेब असिस्टेंट की, अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट लेवल हमारी वैकेंसी नंबर 5, जूनियर असिस्टेंट की बात करें ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 2 का वेतन है, 27 साल एज है, पर एज 3 नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, 1 पोस्ट एसटी की, 1 ओबीसी और 1 पोस्ट जनरल की, कोई जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात ग्रुप सी की वैकेंसी, लेवल 1 का वेतन मिलेगा, 30 साल अपर एज है, 33 पोस्ट टोटल है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 7 पोस्ट एससी कैटेगरी, 2 एसटी, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस की 1 और जनरल की 11 पोस्ट, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एलडी की, ठीक है, पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 33 वैकेंसीज है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ठीक है। इसका डिप्लोमा भी अच्छा, जो इसका सर्टिफिकेट वो भी आसान से मिल जाता है, यदि आप ट्राई करोगे तो इसका डिप्लोमा भी आसान से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी में सहायक होता है वो, ग्रुप सी की वैकेंसी, लेवल 1 का, 30 साल तक है, 3 वैकेंसी है, 1 है इसमें, 1 वैकेंसी बात करें तो 1 एसटी की है और 1 ओबीसी, और इसके 3 वैकेंसी, 1 एसटी और 2 ओबीसी के, टोटल 3 वैकेंसी ये हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते इसके मेन आगे, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाला इसमें अप्लाई कर सकता है एजुकेशन, अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो स्टेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शुड हैव पास सीनियर 10+2 होना चाहिए आपके पास, विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ, ग्रेजुएशन विथ रिलेटेड सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट के साथ, यदि आपने देखो क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, 10+2 होनी चाहिए साइंस के साथ या ग्रेजुएशन साइंस के साथ। जूनियर असिस्टेंट की बात देखो कौन सी थी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात मैंने बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन विथ रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ, साइंस में वगैरह, बॉटनी वगैरह, केमिस्ट्री में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो 10+2 आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ हेवी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग राइट कंप्यूटर स्पीड आपकी होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट में। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात हम करता हूं यहाँ, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 10वीं पास आप होनी चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट में, ठीक है, 10वीं पास। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करते हैं तो 10वीं पास होनी चाहिए, इसके साथ सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस से, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस फॉर यूनिवर्सिटी, ये आप डिप्लोमा ले लो कहीं से भी, अच्छा डिप्लोमा है, ठीक है, इसके कंप्यूटर वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये थी इस वैकेंसी रिलेटेड सारी जानकारी, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड, कोई भी क्लू आपको चाहिए, आपको इससे रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी अदर कोई जानकारी चाहिए, देखो वैकेंसी में डिटेल आपको बता दी, ठीक है, ये वैकेंसी डिटेल आ गई, इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सर आपको हमें यहाँ डाउट है तो ये चीज हमें बताओ, तो वो डिटेल आपको बताई जाएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आप, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप YouTube बेल आइकन को ऑन कर दिया करो, ताकि आपको बेल आइकन को ऑन करने से क्या फायदा होगा, जो भी वैकेंसी आएगी या इस वैकेंसी रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको पहले मिलेगी, ठीक है, इससे फायदा होता है आपको, आप जब भी वैकेंसी कोई आएगी तो आपके आपकी एग्जाम नहीं छूटेगी, बाद में मैसेज आता रहता है कि सर हमारी एग्जाम छूट गई, सर हमें पता नहीं चला, सर कैसे पता करें, अब क्या होगा, सर
मेरा इंटरव्यू छूट गया सर, मेरा ये छूट गया, तो भाई उसका फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हम भी वो जैसे न्यूज आती है हम आपको बताते हैं, जो हमारे हम वेबसाइट खोजते हैं आपके लिए, इतनी वेबसाइट देखते हैं रोज डेली की, हम आपको बता दूं मैं 10 से 20 50 60 वैकेंसी वेबसाइट भी हमें ढूंढनी पड़ती है कभी कभी तो, ठीक है। हर वैकेंसी डिटेल हम खोजते रहते हैं, वो आपके लिए करते हैं ताकि किसी भाई को नौकरी मिले, किसी बहन को नौकरी मिले, तो हमारा भी भला हो, हमें भी अच्छा लगता है, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम और वैकेंसी खोजते हैं आपके लिए, नई नई वैकेंसी लाते हैं, ठीक है। इसमें हमारी एक ही वैकेंसी फर्जी नहीं होगी, आप कोई सोचो भाई फर्जी वैकेंसी बताता है यूट्यूब पर ऐसे बताते हैं, तो कोई वैकेंसी फर्जी नहीं है हमारी। इसकी वेबसाइट और खोल के दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो आप जैसे है ना हिंदू कॉलेज लगाओगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ जाएगा, ऐसे खोलो, खोलते देखो आपके पास ये आएगा एडवर्टाइजमेंट वर्स पोस्ट, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट, यहाँ ये पहली वैकेंसी 2024 की वैकेंसी दी गई, ठीक है। इसके बाद आपको इसको फॉर्म वगैरह भरना है, तो आप जैसे अप्लीकेंट वगैरह इन पे दबाओगे, आप नॉन टीचिंग पोस्ट भरोगे तो आपके पास देखो इसके पोस्ट, इसकी वो इंस्ट्रक्टर है वो आ जाएंगे, मतलब इसके इस वैकेंसी रिलेटेड जानकारी है वो सारी इसमें आ जाएगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या टी ए वगैरह इसके मतलब डिटेल्स वाइज आपकी पूरी पोस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। कहाँ आपकी पोस्टिंग होनी है वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी, मैं लास्ट डेट भी आपको बता दी, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।